ओम मैं जयशंकर पतंजलि को धरी द्वार ईश्वर की कृपा से ऋषि मुनि का स्वस्थ परम पुण्य ऋषि स्वामी जी महाराज परम पुण्य आयु ऋषि मुनि आते श्री श्री गुरु की कृपा से हम बहुत सारी बीमारियाँ एक कुछ तरह भी ठीक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जैसे इनका यहाँ दर्द था, कौन सा स्थान में आपका दर्द था? यहाँ दर्द था। तो ये चैनल में दर्द जिनको रहेगा भाई, अगल बगल जो भी दर्द रहता है, यहाँ एक छोटा वाला जिमी लीजिए स्टील का, नहीं तो तिल लीजिए, जो आंख पेटी का मैच बॉक्स का जो स्टिक होता है, तिल्ली होता है जिसको दियासली भी बोलते हैं, जो काठी होता है दियासली काठी, तो तिल्ली से ऐसे धीरे धीरे ढूंढोगे कहाँ कहाँ दर्द करता है। जहाँ जहाँ दर्द करेगा वो स्थान में जैसे मैंने इनको दबाया तो इनका जहाँ जहाँ दर्द था ऐसे ऐसे जाना है, जहाँ जहाँ दर्द करेगा इनको 100 बार दबाना है, फिर दूसरा स्थान में ढूंढना है 70-80 से लेकर 100 बार जितने हम दबा देते हैं। फिर इसी तरह जहाँ जहाँ दर्द किया इनको, यहाँ भी दर्द किया, इस तरह भी इस चैनल में दर्द किया, इनको दबा दिया, दबाने के बाद इसे ठीक हो जाता है। जिनको यहाँ से यहाँ दर्द है तो ये चैनल में दबा दो, जिनको यहाँ से यहाँ दर्द है चैनल में दबा दो, इसे ठीक हो जाता है। बाकी इनका हाथ में यहाँ दर्द रहता है यहाँ दबा दो, यदि यहाँ के दर्द है तो यहाँ दबा दो, यहाँ दबा दो, यदि नहीं होता इनका बगल बगल में दबा दो, इसे ठीक हो जाता है। तो अभी मैं इनको पूछूँगा इनको अभी कैसे लगा। आपका नाम क्या है? जीवन छत्री। कहाँ से हो? नेपाल से। नेपाल का कौन सा स्थान में है? नवलप्रासी। हाजी नवलप्रासी। कौन सा जिला है? नवलप्रासी जिला। गांव का नाम? गांव का नाम वो सरावलगढ़। ये आपका दर्द कितना दिन से दर्द था? मेरा एक हफ्ता से। अब कैसे लग रहा है देखिए? अभी बहुत अच्छा है। अब तो दर्द नहीं है? नहीं। तो मैं दर्शकों को अनुरोध करूँगा इसी तरह जिनको भी दर्द है महीना भर साल भर का दर्द इसी तरह कर लें, किसका एक दिन में दर्द ठीक हो जाएगा, किसका दो दिन में हो जाएगा, चाहे चोट से हो गया, मौत से हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी भी कारण हो गया, तो हम इसी रास्ता से भी ठीक कर सकते हैं। ये सरल उपाय है, फ्री ऑफ कॉस्ट का है, इससे हम जरूर ठीक कर लें। सभी को ओम प्रणाम। बहुत धन्यवाद। ओम दर्द में यदि किसी को किसी का कड़न में हो गया या दर्द होता है एक कुपोषण द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में अभी दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूं। जैसे भाई जी का ये उंगली में यहां दर्द था तो इसमें कैसे क्या हुआ मैं अभी पूछ रहा हूं। भाई जी आपका नाम क्या है? विवेक नाम हुआ हमारा। कहां से हो? बोकारो झारखंड से। झारखंड से। आपका क्या समस्या थी? ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में हमारा आज 6 महीना से दर्द था, सिर्फ इसी जगह। तो मैंने फिर और मैंने बहुतों से पूछा लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन अभी बाबा जी को मैं दिखाया तुरंत ही यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम था, बाबा जी ने एक्यूप्रेशर से तुरंत ही ठीक कर दिया। अब जो ये पेन है वो खत्म हो गया है और इस तरह दबाने से भी कोई दर्द नहीं। तो मैंने उनको क्या किया, ये जिमी दो प्रकार का होता है जनरली, एक तो मीडियम प्रकार होता है, लकड़ी से भी ले सकते हैं, बस दूसरा भी प्लास्टिक इत्यादि भी ले सकते हैं, और एक स्टील का होता है। स्टील का भी एक मीडियम में एक छोटा है, एक छोटा वाला में साइज में मैंने इनको क्या किया, ये छोटा उंगली से जहाँ ये चैनल है, ये चैनल में जहाँ जहाँ दर्द किया पहले ढूंढा, ढूंढने के बाद उसी स्थान में 80-90-100 बार तक दबाने से आराम मिल गया। फिर दूसरा जगह ढूंढा कहाँ दर्द है, तो जितना दर्द स्थान था सभी स्थान को दबा देने से ये साल भर का दर्द, जैसे इनका 6 महीना था या साल भर, 2 साल 5 साल का दर्द भी एक दिन में भी ठीक हो जाता है। यदि किसी का एक दिन में ठीक भी नहीं हुआ तो और एक दोबार दबाएगा खाली पेट या नाश्ते खाने का 2 घंटा बाद। तो इसी प्रकार ये उंगली में यदि दर्द है तो यहाँ ढूंढो, यहाँ भी दर्द है तो यहाँ ढूंढो, यहाँ भी दर्द है तो यहाँ ढूंढो, तो इसी प्रकार जिमी से दबा देने से ये दर्द ठीक हो जाएगा। किसका यदि उंगली में भी दर्द होगा तो यहाँ से ढूंढ के दबा दो, इसे ठीक हो जाता है। किसी को यदि यहाँ दर्द है तो इस बार ढूंढ के दबा दो। तो इसी प्रकार मैं दर्शकों को सुझाव दूंगा, जकड़न है, दर्द है, पानी कम पीने का कारण, नाक से लंबा सांस लेने नहीं लेते नहीं छोड़ने का कारण, कहीं भी खून रुक जाता है, कहीं कहीं चोट से भी रुक जाता है। आपको कैसे रुका था, दर्द क्यों हुआ है ये पता नहीं? पता नहीं। अर्थात ये पानी कितना पीते हो आप? पानी भी बहुत पीते। कितना गिलास पीते हो? लगभग हमको लगता है कि 12-14 गिलास। 12 गिलास। कितना बड़ा गिलास पीते हो? बड़ी गिलास। कितना बड़ा गिलास? यदि 250 पीता है लगभग 3 लीटर पानी पीता होगा। वजन कितना है आपका? 58 किलो।
58 तो ये मुंह खुला रखता होगा, मुंह खुला था ऐसे रखते होंगे अलग समय में, क्योंकि इसके दो ही कारण हैं जकड़न का। यदि मुंह ऐसे रहेगा तो नाक से फिल्टर में ऑक्सीजन जाएगा नहीं, इससे शरीर में ब्लॉकेज होता है। यदि डीप ब्रीथिंग करेगा, नाक से लंबा सांस लेगा, छोड़ेगा, पानी ज़्यादा पिएगा, पानी आपका वजन कितना है 58 पीना चाहिए आपको, वजन से 10 भाग करके 2 घाटा के पीना चाहिए, अर्थात 58 से 10 भाग करोगे 5.8 2 घाटा हो गए 3.8 पीना चाहिए। तो यदि 3 लीटर पीते होगे सचमुच तो चलेगा, लेकिन यदि कम पीते होगे और मुंह खुला रखते होगे, किसी का दो कारण किसी का कारण इसे दर्द करता है, तो इसको जानकारी ले, दूसरों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी को ओम।